हाय गाइस, दिस इज सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो वीडियो है वो एक सरोजनी हॉल वीडियो। एंड इस बार जो मैं सरोजनी में गई तो मैंने वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज नोटिस करी जो है पार्किंग से रिलेटेड। सरोजनी में उन्होंने मल्टी लेवल ऑटोमेटेड पार्किंग है वो बनाया हुआ है। सो आपको गाड़ी पार्क करने की कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। आपको वहाँ पार्किंग पे जाना है, गाड़ी पार्क कर देना, अकॉर्डिंगली वो आपकी गाड़ी को पार्क कर देते हैं। सो ये चीज काफी अच्छी, अगर आप अपने कन्वेंस से जा रहे हैं तो बहुत ही इजी टू ट्रैवल हो गया है। मैं आपसे दो टिप्स शेयर करूंगी सरोजनी शॉपिंग के लिए जो पर्सनली मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इनको फॉलो करें, बट ऐसा मुझे लगता है कि आपको ये जरूर हेल्प करेंगे आपको सरोजनी शॉपिंग के लिए। फर्स्ट ये कि आप किस टाइम पे जा रहे हो, क्योंकि मैं 12 to 12:30 शॉपिंग करने के लिए गई थी। सो मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं मिला, मतलब चीज़ें बहुत इजी टू पिक थी, आप अच्छे से चीज़ों को देख के एंड बाय कर सकते हैं। शाम के टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि जब मैं निकल रही थी 2:30 के अराउंड तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एंड सुबह के टाइम एक फ़ायदा ये भी होता है कि उनका शायद जो फर्स्ट परचेज वाला सिस्टम होता है कि बोनी का टाइम होता है, तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, आप अच्छे से बार्गेन कर लेते हैं वो कि चलिए मेरी फर्स्ट परचेज है, बोनी का टाइम है तो आप इतने में ले जाइए। सेकेंड टिप ये, तो पहले थोड़ा सा होमवर्क कर ले कि आपको क्या क्या शॉपिंग करनी है, क्योंकि आप जैसे ही सरोजनी मार्केट में जाएंगे आपको ज्वेलरी की शॉप, क्लोथ्स की शॉप, फुटवेयर्स की शॉप कुछ जाते ही मिलना शुरू हो जाएंगी। सो आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं पहले क्या लूँ। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस, अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाएंगे कि मुझे क्या क्या लेना है, मुझे क्या पहले लेना है, सो थोड़ा सा आपको शॉपिंग करना ईजी होगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने जो अपनी शॉपिंग स्टार्ट की वो ज्वेलरी शॉपिंग से, तो मैंने 3 पीस इयररिंग्स लिए हैं। फर्स्ट ये सिल्वर हुप्स हैं, प्लेन एकदम, ये आपको वेस्टर्न और इंडियन आउटफिट दोनों के साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। सो ये बेसिक हुप्स मैंने लिए हैं एंड ये सिल्वर कलर में है। एंड मैंने जो सेकेंड लिया है वो है ये हेक्सागन हुप्स, ये हेक्सागन शेप में है एंड ये भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। आप वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, इंडियन के साथ भी अच्छे लगेंगे। एंड ये ब्लैक मेटल में है। सी इसके बाद जो मैंने लिया है वो है ये आउल इयररिंग्स, दीज आर सो सो क्यूट। एंड ये जो मैंने तीनों सेट इयररिंग्स के लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ में लिए हैं एंड तीनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके बाद जो मैंने परचेस किए हैं वो है ये दो रिंग्स। एंड वहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे रिंग के कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा पिक करूँ, फिर मैंने ये दो पिक किए। सो एक गोल्डन है एंड एक सिल्वर है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। एंड इसमें जो दिया गया है जो साइज़ है वो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, तो इट्स अ फ्लेक्सिबल, आप अपने अकॉर्डिंग टू फिंगर साइज़ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सी लुक एट द रिंग, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ये एकदम ऐसे हाथों को इन्हांस कर दिया इसने। एंड जो सेकेंड रिंग है वो है ये जो दोनों रिंग्स हैं वो मैंने 90 रुपीज़ के लिए है, वो 50 रुपीज़ की भैया बता रहे थे। सो मैंने उनसे बोला मैं आपसे दो लूँगी, तो उन्होंने 90 रुपीज़ में मुझे ये दिए हैं, 45 रुपीज़ ईच। एंड इसके बाद जो मैंने लिया है वो है मल्टी कलर बैंगल्स। सी कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इसमें ग्रीन, रेड, पिंक, ब्लू, येलो एंड वायलेट कलर के बैंगल्स हैं और गोल्डन कलर से इनको कॉम्प्लीमेंट किया गया है। सी कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सो आप चाहे तो इनको दोनों हाथ में डिवाइड करके ही पहन सकते हैं, आप दोनों हाथ के लिए अलग अलग पेयर ले लीजिए। सो मैं एक हाथ में ही बैंगल पहनना प्रेफर करती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। सो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड मैंने मल्टी कलर्स ले लिए हैं जिससे बहुत सारे आउटफिट के साथ पेयर हो जाएँ। एंड ये मैंने सिर्फ लिए हैं 100 रुपीज़ में, ओनली 100 रुपीज़। सरोजनी में शॉपिंग ज्वेलरी की तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है ना कि मतलब मुझे लग रहा था मैं ये भी ले लूँ। बहुत ही ज्वेलरी के लिए तो मुझे सरोजनी बेस्ट लगता है। एंड इसके बाद जो मैंने शॉपिंग की है वो मैंने क्लोथ्स की शॉपिंग की है। सो फर्स्ट जो है वो है ये ड्रेस। सी गाइस, एंड ये स्ट्राइप्स में, एंड स्ट्राइप्स पहनने पे बहुत ही स्मार्ट लगती है, बहुत ही क्लासी लगती है। एंड इस ड्रेस की जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो है कि इसमें अंदर अच्छा सा अस्तर दिया हुआ है, सो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है ये। आप इसको अच्छे से पहन सकते हैं अपनी ऑफिस मीटिंग्स वगैरह में, ब्रांच में, कॉलेज में, आप इसे कहीं पे भी पहन सकते हैं। एंड ये फ्री साइज़ है और ये आपको इसके साथ ये बेल्ट मिलता है, सो अकॉर्डिंग टू योर साइज़ आप इसको टाई कर सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छा है ये, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है ड्रेस। एंड इस ड्रेस का जो प्राइस है गाइज वो है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़। एंड ये जो ड्रेस है वो मुझे नी के ऊपर तक आता है। एंड जो मेरा सेकेंड बाय क्लोथ है वो ये डेनिम शर्ट, एंड ये फुल साइज डेनिम शर्ट है। आपको राइट में भी पॉकेट मिलेगा, आपको लेफ्ट में भी पॉकेट मिलेगा एंड इसकी भी जो लेंथ है वो अच्छी है।
एंड कपड़ा भी बहुत अच्छा है, कपड़ा ड्रेस का भी काफ़ी अच्छा है, इसका भी काफ़ी कपड़ा एंड इसका भी कपड़ा काफ़ी अच्छा है एंड ये कॉलर में है। एंड ये जो भैया मुझे शर्ट दे रहे थे वो 350 की दे रहे थे एंड बार्गेन करके मैंने सिर्फ 150 की लिया है। अचीवमेंट है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट फील हो रही थी जब मैंने इसको लिया और मैंने भैया से बार्गेन किया, तो वो शायद एक दो बार कहने में ही मान गए कि हाँ ठीक है आप 150 दे दो ले जाओ। सो मुझे लगा कि शायद मैं और बार्गेन कर सकती थी, क्योंकि जब भैया लोग इजिली मान जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और बार्गेन कर सकती हूँ। सो गाइज आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ये 150 में मेरा ये सही बार्गेन है या मैं और बार्गेन कर सकती थी। जब आप इतनी सारी शॉपिंग करेंगे और समर सीजन है, मानसून है, सो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ज़रूर हो सकती है, तो प्लीज़ अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखें। वहाँ पे आपको जलजीरा, बंटर सोडा, पानी एंड आपको सब कुछ मिलेगा। सरोजनी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है खाने पीने से लेकर हर चीज़ में। सो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपना खुद का वाटर बॉटल भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद जो मैंने फाइनल और जो मेरी लास्ट परचेज है सरोजनी से वो है थोड़ा घर का सामान। तो मैंने दो चीज़ें घर के लिए ली हैं। वो एक के लिए है मग इन कुल्हड़ स्टाइल एंड ये भी इसका साइज़ बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत ही सही साइज़ है इसका एंड क्वालिटी भी अच्छी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको पतला लगे कि बहुत ही पतला, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ये मैंने 100 रुपीज़ के 6 पीसेज लिए हैं। एंड इसके बाद जो मैंने लिया है वो ये मैट, ये आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड ये आप अपने फ्रिज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज के जो कंपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा इजी टू क्लीन होता है, आपने ऐसे करके लगा देना है और जब भी आपको क्लीन करना हो तो आप इस मैट को निकालिए एंड बहुत ही ईजी हो जाता है फ्रिज को क्लीन करना। एंड ये जो मैंने सेट लिया है वो मैंने 150 का लिया है। सो गाइज ये थी मेरी सरोजनी की शॉपिंग एंड इसमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ लेट मी नो। एंड मैं एक सरोजनी में एक प्रोडक्ट ढूंढ रही थी, वो टैंगल वाला इयररिंग्स जो ऐसे राउंड राउंड करके मिलता है, वो मुझे नहीं मिला। सो नेक्स्ट टाइम में जब सरोजनी आऊँगी तो आई विश वो मुझे मिल जाए। अगर आपको पता है वो किसी डेडिकेटेड शॉप पे मिलता है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे टैंगल वाले इयररिंग्स कहाँ मिल सकते हैं। मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल गाइज। बाय।